सौ भाई बहन मन के जोहार। मोई गेलक लोकसभा चुनाव के आगे झारखंड आई हो, झारखंड एक सुंदर प्रांत है के और अपन सब मन सुंदर आही। झारखंड एक धनी प्रांत है के मगर बेसी झारखंडी मन गरीब अहेन। मोर सरकार और मनक संगे ही दशा के सुधरी चाहत हो। झारखंड के प्यारे भाइयों बहनों, कुछ समय पहले चुनाव अभियान के निमित्त बार बार मेरा झारखंड आना हुआ था। और मैंने विकास के विषय में हर बार आपके सामने बातें रखी थी। मैं झारखंड के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने विकास के मार्ग को चुना है। आपने हमें भारी समर्थन दिया है और मैं झारखंड वासियों से विश्वास दिलाने आया हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, जो शक्ति दी है, इसके लिए मैं झारखंड का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आभार व्यक्त करके मैं अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं मानता हूं। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाने आया हूं। और विकास, विकास के माध्यम से मैं ये प्यार आपको ब्याज समेत लौटाने वाला हूं। झारखंड में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता पड़ी हुई है। अगर मैं गुजरात के अनुभव से कहूं तो गुजरात से भी अनेक गुना आगे बढ़ने की ताकत ये झारखंड राज्य में है। जिस राज्य के पास इतनी प्राकृतिक संपदा हो, जिस राज्य के पास ऐसे कर्तव्यवान नौजवान हो, जिस राज्य के पास बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों की त्याग और तपस्या की परंपरा हो, वो राज्य पीछे रहने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य बनाया, इस सपने के साथ बनाया था कि विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा यह राज्य न सिर्फ झारखंड का भला करेगा लेकिन पूरे हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए झारखंड अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है।
इस सपनों के साथ, इस आशा के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था। भाइयों बहनों, झारखंड की स्थिति हमें मंजूर नहीं है, हमें इसे बदलना है, मिलजुल करके बदलना है। विकास की अनेकविध योजनाओं को लेकर के झारखंड को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। आज यहां कुछ योजनाओं का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है और कुछ योजनाओं के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। मैं हैरान हूं, यहां पर कर्णपुर, ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद वो वहीं का वहीं पड़ा है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने जहां काम छोड़ा है उसे आगे बढ़ाना शायद मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बिजली का कारखाना बनेगा, न सिर्फ झारखंड का अंधेरा छटेगा, हिंदुस्तान में जहां जहां अंधेरा है उस अंधेरे को हटाने का काम भी ये झारखंड की धरती से होगा। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां रांची सिपत ट्रांसमिशन लाइन के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को ले जाएगी ऐसा नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को यहां लाएगी ऐसा नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने वाली लाइन है। ये सिर्फ ऊर्जा को वहन करने वाली नहीं, यहां के जन जन में ऊर्जा पैदा करने वाली एक नई ताकत के रूप में यहां आई है और उसके कारण विकास की एक नई ऊर्जा सारे पूर्वी भारत को प्राप्त हो, इसमें बड़ी अहम भूमिका झारखंड निभाने वाला है। मैं पहले से ही मानता हूं, अगर हम भारत को महान बनाना चाहते हैं, अगर हम भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारी भारत माता का कोई भी हिस्सा दुर्बल नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं भारत के पश्चिमी छोर पर कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां नजर आती हैं, लेकिन भारत का पूरा पूर्वी छोर मध्य से पूरब की तरफ देखें, वहां के लोग विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरीबी ने
उनके सपनों को चूर चूर करके रखा हुआ है। दिल्ली में आपने जिस सरकार को बिठाया है, उस सरकार का सपना है पश्चिम हो या पूरब, उत्तर हो या दक्षिण, भारत का विकास संतुलित होना चाहिए, पूरब को भी उसका फायदा मिलना चाहिए और पूरब में विकास की संभावनाएं बढ़नी चाहिए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भविष्य में झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी वो जब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी तो झारखंड की आर्थिक स्थिति में भी उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैं नहीं जानता हूं वो खबर झारखंड के अखबारों में छपी है कि नहीं छपी है, लेकिन मैं जहां दिल्ली से निकला वहां तो कोई ज्यादा मुझे नजर नहीं आई, एक आध कोने में एक आध दो लाइन मुझे दिखाई दे रही थी। सामान्य रूप से भारत सरकार से कुछ लेना हो तो मुख्यमंत्रियों को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतनी बार जाना पड़ता है, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एमपीज को जाना पड़ता है, डेलीगेशन लेके जाना पड़ता है और वहां वो सुनते हैं फिर कहते हैं आपकी बात बहुत अच्छी है हम जरूर देखेंगे, ये दोबारा जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा वो रह गया फिर देखेंगे। ये देखते ही देखते 10 साल चले गए। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार का ये कन्विक्शन है, ये हमारा विश्वास है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम राज्यों के प्रति उदासीन रह करके, राज्यों की उपेक्षा के करके कभी भी भारत को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार सभी राज्यों के विकास में सहायक होना चाहती है, मददगार होना चाहती है, राज्यों की उंगली पकड़ करके साथ चलने का प्रयास करना चाहती है और इसीलिए कल कैबिनेट में हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया खनिज संपदा की रॉयल्टी का और उसके कारण झारखंड को करीब करीब 400 करोड़ रुपयों का फायदा होगा और एक बार नहीं हर वर्ष होगा। और इसके लिए हेमंत सोरेन जी को कभी दिल्ली नहीं आना पड़ा, न कभी मेरे पास आना पड़ा, न कभी मेमोरेंडम देना पड़ा, हम सामने से लेकर के आए हैं। क्यों? यह हमारा विश्वास है विकास को सबने मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है, जन जन की ताकत को जोड़ करके हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज एक ऑयल टर्मिनल का भी लोकार्पण हुआ है और इसके कारण इस पूरे क्षेत्र में ऑयल पहुंचाने की सुविधा बढ़ने वाली है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है, आने वाले दिनों में गैस बेस्ड इकोनॉमी का महत्व बढ़ने वाला है, देश में गैस ग्रिड बने, डोमेस्टिक उपयोग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऊर्जा के लिए, उद्योग के लिए,
गैस का सर्वाधिक उपयोग की दिशा में कैसे जाएं, गैस पहुंचाने के लिए नेटवर्क कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के तहत जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन आने वाले दिनों में ये काम भी ये सरकार हाथ में लेने वाली है। और उसके कारण हमारे पूर्वी हिंदुस्तान के गोरखपुर हो, पटना हो, वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, दुर्गापुर हो, कोलकाता हो, इन शहरों में पाइप से घर घर गैस पहुंचाने का हमारा मकसद है। अब गैस सिलेंडर के लिए हमारी माताओं बहनों को इंतजार न करना पड़े। जैसे नल में पानी आता है वैसे नल में गैस भी आने लग जाए, इस काम को हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान के पास टैलेंट है, यहां पर औद्योगिक विकास की भारी संभावना है। अगर न संभावना होती तो कभी किसी ने जमशेदपुर न बनाया होता। यहां ताकत पड़ी है लेकिन बीच के कालखंड में सब अटक गया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माण के लिए बहुत संभावनाएं हैं। भारत सरकार यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चरिंग का यहां काम हो, उसको प्राथमिकता देना चाहती है। और उसके कारण आज छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गुड भी विदेशों से लाने पड़ते हैं, वो लाना बंद होगा और भारत की आवश्यकता की पूर्ति में झारखंड का भी कोई न कोई योगदान हो, उस दिशा में हम आगे जाने वाले हैं। झारखंड के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले और इसलिए रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, इसका काम भी बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड को आधुनिक बनाने की दिशा में हम कितना योगदान कर सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मैंने एक बात कही थी डिजिटल इंडिया की। वक्त बदल चुका है, आप भी अगर टेलीफोन थोड़े समय के लिए अगर बंद हो जाए, कनेक्टिविटी अगर थोड़ा समय बंद हो जाए, तो आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मोबाइल फोन के लिए जिंदगी गुजरना आपके लिए संभव है क्या? झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी मोबाइल फोन ने इतनी जगह बना ली है जिंदगी की। क्या कारण है? कारण है टेक्नोलॉजी, उसके कारण आई हुई सरलता। क्या हमारी पूरी शासन व्यवस्था में ऐसी सरलता हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? सामान्य मानवी के लिए सरकार उसकी हथेली में होनी चाहिए, यह हमारा सपना है। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, यह काम है डिजिटल इंडिया का। आपके मोबाइल फोन में पूरे की पूरी सरकार लाई जा सकती है। आप अपने मोबाइल फोन से सरकार में क्या काम है, कहां काम है, कैसे काम है, इस काम को कर सकते, इतना टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हुआ है। लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। और इसलिए डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए लाखों करोड़ रुपयों की लागत से पूरी शासन व्यवस्था को उसका सरलीकरण हो, डिजिटल फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो, सामान्य से सामान्य मानवी
सरकार के किसी भी पुर्जे तक तुरंत पहुंच पाए, घर बैठे पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था हो, सामान्य नागरिक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे उसे गैस पाइपलाइन से गैस मिलता है, पानी की पाइपलाइन से पानी मिलता है, उसी प्रकार से डिजिटल के द्वारा इंफॉर्मेशन भी मिले, इस प्रकार का प्रबंध करने की कल्पना के साथ आज झारखंड की धरती से इस डिजिटल इंडिया के लिए कुछ प्रकल्प का प्रारंभ हुआ है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्क की कल्पना है, जिसमें नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की कल्पना है। इन प्रयासों का परिणाम यह होगा कि झारखंड भी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही तेजी से अपनी जगह बना लेगा। भाइयों बहनों, एक के बाद ये सरकार इतनी तेज गति से क्यों चल रही है, एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय क्यों कर पा रही है? मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, ये इसलिए कर पाई है कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में एक सरकार को चुना है। अगर हमें भी पूर्ण बहुमत न मिला होता, अस्थिरता होती, गठजोड़ की दुनिया होती, तो शायद आज जिस विश्वास के साथ मैं एक के बाद एक कदम उठा रहा हूं, शायद नहीं उठा पाता। पूर्ण बहुमत का महत्व मैं समझता हूं, देश भी समझता है। स्थिर शासन का महत्व मैं समझता हूं, झारखंड के लोग भी समझते हैं। और भाइयों बहनों, अब झारखंड एक महत्वपूर्ण उम्र के दौर से गुजर रहा है। झारखंड की उम्र हो गई है 13-14 साल। परिवार में भी बेटा या बेटी जब 13 या 14 साल के हो जाते हैं ना, तो मां बाप उनकी स्पेशल केयर करते हैं, ज्यादा उनकी चिंता करते हैं। अच्छी स्कूल मिले, अच्छी कॉलेज मिले, अच्छे दोस्त मिले, उनका सही डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये एज ऐसी होती है उसमें बेटे या बेटी के जीवन में जो होगा उसी की धरोहर पर उसकी पूरी जिंदगी बनती है। व्यक्ति के जीवन में भी 13 से 18 साल की उम्र का जैसा महत्व होता है, वैसा ही महत्व राज्य के जीवन में भी होता है। और इसलिए अब झारखंड उस महत्वपूर्ण उम्र के दौर में प्रवेश कर रहा है। आपको तय करना है, जब झारखंड 18 साल का हो तब झारखंड कैसा होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण समय में झारखंड कैसा हो, झारखंड के सपने कैसे हो, झारखंड की योजनाएं कैसी हो, उन योजनाओं को चलाने वाली व्यवस्था कैसी हो, इस पर गंभीरता से सोचने का समय ये झारखंड की जनता के पास आया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये झारखंड के महत्वपूर्ण वर्ष विकास के वर्ष में बने रहे। झारखंड का ये 13 से 18 साल की उम्र का दौर झारखंड को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बने, नए सपने हो, नई ऊर्जा हो, उसे प्राप्त करने के लिए 3.25 करोड़ झारखंडवासियों का अनगिनत पुरुषार्थ हो। तो भाइयों बहनों, जी बिरसा मुंडा को लेकर के हम सीना तान करके घूम रहे हैं, वही झारखंड की जनता देश के सामने सीना तान करके खड़ी हो सकती है। और उस काम को करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।
ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और आज के समारोह की सुखद स्मृतियां हमारे मानस में हमेशा रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रांची में है। कर्णपुर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया है और इसके जरिए ये कोशिश की गई है दुनिया को, देश को बताने की कि कैसे इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए झारखंड देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ सकेगा, पूर्व से पश्चिम तक वो जुड़ सकेगा, दूसरे राज्यों से भी। और न सिर्फ झारखंड को इस ट्रांसमिशन लाइन का फायदा होगा बल्कि जो दूसरे राज्य हैं जहां पर अंधकार होता है उसे भी फायदा होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, न्यूज़ एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।